कार्यक्षेत्र में दिन आपके पक्ष में रहेगा, आर्थिक रूप से प्रगति होगी, नौकरी करने वाले लोगों की ऊपर अधिकारी के द्वारा और सहकर्मचारियों के द्वारा प्रशंसा हो सकती है। पूर्व काल में आपके द्वारा लिए गए जोखिम भरा फैसले भी आज सही साबित होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज आपके द्वारा नई योजनाएं शुरू हो सकती है। आपके कोई बहुत पुरानी व्यवसायिक महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। बहुत दिनों से आपके मन में चल रही योजना आज वास्तविक रूप में क्रियान्वित हो सकती है। दिन पूरा होने तक आमदनी में वृद्धि होगी। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज निवेश करने से आपको धन लाभ हो, ऐसे द्रव्य प्रबल है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ निवेश करें। आवश्यकता से ज्यादा आपकी जोखिम न उठाए। पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। वाणी और व्यवहार में संयम बरते, महिलाओं का सम्मान करे। इनके उत्तरार्ध में संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार पारिवारिक तनाव को कम करने में सहायक होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज आप भाग्यशाली साबित होंगे। शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या हो ऐसी संभावना बहुत कम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों के ज्ञान में आज बढ़ोतरी होगी। सह विद्यार्थियों के द्वारा उनके प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा के मुख्य स्रोत के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थी वर्ग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। एक्टिविटीज में विद्यार्थी वर्ग को सम्मान मिल सकता है या पारितोषिक भी मिल सकता है। महिला वर्गों के लिए भी दिन सभी तरह से आनंददायी रहेगा। समस्याओं का समाधान आज मिल सकता है। पिछले दिनों के मुकाबले आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी से पुराना मनमुटाव आज समाप्त हो सकता है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी दिन सभी तरह से आनंददायी रहेगा। बुजुर्गों को आरोग्य के मामले में कुछ शिकायत रह सकती है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन